आई एम डॉक्टर सुरेश के भगत, आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन अटैच्ड टू एसएल रहीजा हॉस्पिटल माहिम वेस्ट ए फोर्टिस एसोसिएट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा। जब पेशाब के रास्ते में कोई भी गांठ आ जाता है या रुकावट सिकुड़न आ जाता है, हिंदी में सिकुड़न बोलते हैं, और उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं मैं पहले वो ये बताऊंगा कि आपकी पेशाब की धार काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, पेशाब की धार पतली होती है, आपको जोर लगा करके पेशाब करना होता है और आपको पेशाब के रास्ते में बार बार इन्फेक्शन होता है, और इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है। इसको सबसे पहले हम यूरोफ्लोमेट्री करते हैं और यूरोफ्लोमेट्री में उसका पैटर्न देखते हैं। जैसे आप क्लिनिक में आए तो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, आपका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो गुप्तांग है, उसको देखते हैं, आपके पेनिस के ग्लैंस पेनिस को देखते हैं, वहाँ पे जो जहाँ से पेशाब का रास्ता पेशाब बाहर निकलता है उसको देखते हैं, वहाँ पे कोई वाइट कलर का डिस्कलरेशन तो नहीं है, वाइट डिस्कलरेशन तो नहीं है, जिसको कि हम लोग BXO करते हैं, BXO बोलते हैं। तो क्लिनिकल इवेल्युएशन होता है, फिर उसके बाद यूरोफ्लोमेट्री देखते हैं। यूरोफ्लोमेट्री में पैटर्न जो होता है स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा में, उसका बहुत टिपिकल पैटर्न है, एकदम फ्लैट बॉक्स सेपरेट होता है, एकदम आपका मैक्सिमम फ्लो रेट 4 to 5 ml/s होगा, है ना, और स्ट्रेनिंग पैटर्न भी हो सकता है कभी कभी। फिर उसके बाद हम लोग रूटीन यूरिन कल्चर करते हैं, फिर यदि कल्चर में इन्फेक्शन नहीं है इसके लिए हम लोग देन अंडर एंटीबायोटिक कवर एक टेस्ट करते हैं, जो कि पेशाब के रास्ता में दवा डाल करके एक कॉन्ट्रास्ट डाल करके एक्सरे लेते हैं, जिसको रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम या एसेंडिंग यूरेथ्रोग्राम बोलते हैं, और फिर एक MCU मिक्चुरेटिंग सिस्टर यूरेथ्रोग्राम भी करते हैं। यदि पेशेंट स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा का पेशेंट नॉन पेशेंट है, वो SPC पे, SPC का मतलब हुआ कि आपको नाभि के नीचे डायरेक्ट ब्लैडर से कैथेटर डाला हुआ है, ठीक है, तो एक बार डायग्नोसिस हो गया तो उसमें हम उसको देखते हैं कि शॉर्ट सेगमेंट है, छोटा है, फर्स्ट टाइम स्ट्रिक्चर है, तो उस कंडीशन में हम लोग दूरबीन से इंडोस्कोपिक इंटरनल यूरेथ्रोटॉमी करते हैं, जिसको कि फर्स्ट टाइम, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम शॉर्ट सेगमेंट, छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो भी सॉफ्ट है, तो उसमें हम इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी को बार बार स्ट्रक्चर हो रहा है, लंबा स्ट्रक्चर है, या किसी को पूरा यूरेथ्रा पूरा नैरो हो गया, पूरा सिकुड़ गया है और BXO चेंजेज आ गए हैं, तो उस कंडीशन में दूरबीन से सक्सेस रेट नहीं होता है, दूरबीन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना बार आप दूरबीन से कराओगे ऑपरेशन उतना ही यूरेथ्रा का कंडीशन ख़राब होता है। तो उसमें हम लोग यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं। यूरेथ्रोप्लास्टी डिपेंड करता है कि कितना लंबा सेगमेंट है, कितना फाइब्रस स्ट्रक्चर है, तो उसमें बक्कल म्यूकस यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं, जो मुँह के अंदर का चमड़ा है उसको निकाल करके हम यूरेथ्रा बनाते हैं, और उसका रिजल्ट काफ़ी अप टू 90% सक्सेस रेट है, इट्स ए वेरी गुड, और ये मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ और यहाँ भी करता हूँ, और मेरे सारे काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो कि दूसरी जगह से आते हैं और हमारे पास यूरेथ्रोप्लास्टी के लिए। ये तो हुआ। फिर कभी कभी होता है कि एक्सीडेंट के बाद जो ये कमर की हड्डी टूट जाती है और उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसको PFUDD बोलते हैं, और उसमें तो यूरेथ्रोप्लास्टी ही एक ऑप्शन है, और दूसरा दूरबीन से तो होना ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट्स आर वेरी बैड और नॉट ए गुड चॉइस एंड एसोसिएटेड विथ मेनी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये यूरेथ्रोप्लास्टी एक ऐसा सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जब भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डायग्नोज हो तो मैं आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता हूँ। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच।